साबिक चेयरमैन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड मलून वसीम रिजवी के खिलाफ वकला के वक्त की जानिब से नामपली क्रिमिनल कोर्ट के इहाते में बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज्जम किया गया। इस एहतजाजी धरना में वकला एसएम अजीम एडवोकेट, दस्तगीर एडवोकेट जलील अहमद एडवोकेट, जावेद शाफान एडवोकेट, जावेद एडवोकेट के अलावा दीगर वकला ने शिरकत की। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है और हमारे शिया भाइयों से खास करके अपील कर रहा हूँ, शिया उलमायदीन से अपील कर रहा हूँ, इसकी सख्त मजम्मत करें, इसको बायकॉट करें और हमारे जितने भी हैदराबाद के जहां जहां भी लोग देख रहे वीडियो अपनी अपनी तौर पे इसका एहतजाज करें और ये जो है ना जो ये क़यामत तक जो ना ये चेंज होने वाली नहीं है, इन्हें तो आयतों की बात कर रहा, इसमें जेर जबर भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि जो है ना एक टाइम था जहां पे रशिया में जो ना कुरान शरीफ रखने नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से जो है ना आज हुफाज़े इकराम अपने दिल में कुरान को हिफ्ज करके अपनी तौर पर पढ़ा, ये तो जो ना ये जालिम है, इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम क्या मालूम है, कुरान शरीफ में कोई रद्दो बदल हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह इसकी ऐसी इबरतनाक मौत होगी, इंशाल्लाह हम नहीं आने वाली नस्लें देखेंगे, जो भी इस्लाम के दुश्मन रहेंगे इसी तरह उसका खात्मा होगा। ये वसीम रिजवी जो पुलिस की औलाद है, अगर आज उसकी माँ जिंदा होगी तो उसे भी उसकी कोख पर अफसोस होगा कि उसने किस शैतान को जन्म दिया। उसका बाप अगर आज जिंदा होगा तो उसे भी अफसोस होगा कि उसने किस शैतान को अपना नाम दे दिया। ये इंसान की औलाद नहीं, ये शैतान है, ये यहूदी नसारा का बच्चा है। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि तेरा खात्मा हमारे सामने हो जाए, तू इबरतनाक मौत मरे। आमीन। और ये जो तू कुरान शरीफ की आयतों की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला इसके जेर जबर भी रद्दोबदल नहीं होगा। वसीम रिजवी के लिए बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह इसकी दर्दनाक मौत हम सबके लिए इबरत के जैसा बता दे। वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।